हवेली नचते हैं टपते हैं, मेरा दिल डिग पे उठे। वाह जी वाह। मुराद सड़ गए बख्तू जी। मुराद में पुल जाओ। मदिया शाह जी हैं, इफ्तखार ठाकुर हैं, हमने न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस कराए हैं अली अब्बास की शक्ल में, जारिया खान की शक्ल में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा किया, आगे मुझे ऑडियंस और आप लोगों के रिव्यू से पता चलेगा कि मैंने कैसा परफॉर्म। मैंने तो काम किया, मेहनत की है और बड़ा चैलेंजिंग रोल है, अब तो आप लोगों ने देखिए उसको मार्क्स देने हैं कि कैसा किया है हम लोगों ने। और मजे की बात है कि मैं एज अ ट्रांस पर्सन गेस्ट अपेयरेंस दे रही हूँ फिल्म में। ये बताएं मूवी रिलीज होने जा रही है रंग इश्क़, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, उसके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात है और बड़ी दुआएं इस फिल्म के लिए। और ये एक म्यूजिकल पंजाबी लव स्टोरी फिल्म है और इस वक्त बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान को ऐसी सॉफ्ट फिल्मों की। तो आपको क्या लगता है, माशाल्लाह जैसे मौला जट ने बहुत बिजनेस किया है तो ये भी इंशाल्लाह बहुत बिजनेस जाएगी, टॉप पे जाएगी बल्कि उससे भी ज़्यादा? जी, हमारी दुआ है कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, फिल्में ऊपर नीचे आती रहें और फिल्मों का मिजाज ऐसा हो। मैं मौला जट एक्शन है तो ये एकदम रोमांटिक फिल्म है, तो वैरायटी जो है वो कंटेंट की जो है वैरायटी है वो डेफिनेटली जो है ना अच्छे असरात छोड़ती है। चलिए जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि मूवी रिलीज होने जा रही है रंग इश्क़, क्या कहना चाहेंगे इसकी मेकिंग की, कास्ट के बारे में? आज बड़ी एक्साइटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोरोना की वजह से ये रुकी हुई थी, हालांकि ये फिल्म हमने 2 महीने में कंप्लीट की थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त आया जिसका बड़ा इंतज़ार था। और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से उम्मीदें लगाई हुई, अल्लाह इसको कामयाब करे ताकि रिवाइवल हो इंडस्ट्री का। फिल्में जो बनना बंद हो गई थी लाहौर से, कराची से तो आ रहा है मटेरियल, लेकिन लाहौर चूँकि एक बुनियादी शहर है फिल्म मेकिंग के एतबार से, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला जट भी हिट हो गई। और इसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको भी इज्जत दे दे। आपको कोई मूवी का सॉन्ग कोई बहुत अच्छा लगा हो, उसके 2 बोल गुनगुनाना चाहेंगे? नहीं, वो अभी मैं गाने सुना नहीं मैंने सही, जब सुनूंगा तो फिर मैं कर सकता हूँ, अभी मैंने सुना नहीं म्यूज़िक। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका क्या रोल है इस मूवी? इसमें मैंने इफ्तखार ठाकुर और हसन अब्बास के उस्ताद का रोल में किया, मेरा ओल्ड करेक्टर है, तो ये दोनों मेरे शागिर्द होते हैं और हमारी एक बार्बर शॉप होती है, यानी हम मतलब नाइयों की दुकान है, शेव वगैरह, कटिंग वगैरह, तो उसके अंदर ही उन्होंने सारा बनाया हुआ है। चले जी, बाकी मूवी देखने आए और देखें क्या है मूवी और क्या कास्ट है, क्या स्टोरी है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ सर प्रोड्यूसर हैं जैसा कि आप मूवी के, तो क्या कहना चाहेंगे रंग इश्क़ दा पंजाबी मूवी रिलीज़ होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, नई पंजाबी मूवी रिलीज़ होने वाली है 23 दिसंबर को, इसकी रिलीज़ है इंशाल्लाह ताला। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और आई एम श्योर इसको पजीराई मिलेगी, क्योंकि ये हमने एक मॉडर्न डिफरेंट स्टाइल की पंजाबी मूवी बनाई है और इसके अंदर गाने आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे। सबसे बेस्ट बात यह है कि ये बहुत सॉफ्ट मूवी है, इसके अंदर रोमांस को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है और जो उसकी फीलिंग्स की जो कहानी शो की गई है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और कॉम्प्लीमेंट करते हैं गाने पूरी मूवी को इंशाल्लाह ताला, कलर ग्रेडिंग से लेके, साउंड से लेके, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके A1 class काम हुआ है। आगे आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने इसको क्या रेट करना है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे हीर रांझा एक मूवी थी उस टाइप की शायद की मूवी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइप की है, बिकॉज इट्स अ रोमांटिक लव स्टोरी और म्यूजिकल रोमांटिक लव स्टोरी। कास्ट के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? कास्ट बहुत अमेजिंग किस्म की कास्ट है हमारी, ठीक है। मदिया शाह जी हैं, इफ्तखार ठाकुर हैं, हमने न्यू फेसेस इंट्रोड्यूस कराए हैं अली अब्बास की शक्ल में, जारिया खान की शक्ल में, आमना राही हैं, इसके अलावा सईद सेकी और हसन अब्बास, वसीम, सब लोगों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अगर मैंने किसी को मिस करा, नगमा बेगम आपको पता है वो लेजेंड है हमारी, ठीक है ना, पाकिस्तान इंडस्ट्री की। और अगर मैंने कोई अभी मिस कर दिया किसी को तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मूवी की हीरोइन हैं आप सारिया,
जी। मूवी रिलीज होने जा रही है रंग इश्के दा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मूवी में काम करके मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, बिल्कुल मज़ा आया। एक न्यू एक्सपोजर था बिग स्क्रीन का, अच्छा लगा। तो क्या कहती हैं कि इस मूवी में आपको सबसे अच्छा क्या, पर्सनली क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा लगा सर्दी में मेहनत करना शदीद सर्दी में शूट करना, ये सबसे अच्छा एक्सपोजर था। क्या लगती हैं कि ये जब आप किए सारे सीन आपने किए तो आपको क्या फील आ रहा था कि फर्स्ट मूवी आप? जी ये मेरी फर्स्ट मूवी है। तो आपको क्या फील आ रहा था फर्स्ट मूवी करते हुए, कुछ ऐसी बात जो आपको बहुत ख़ास लगी? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मेरी कोशिश थी कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा किया। आगे मुझे ऑडियंस और आप लोगों के रिव्यू से पता चलेगा कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी मैं ठीक ठाक। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, मोहब्बत है आपकी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मूवी रिलीज होने जा रही है रंग इश्के दा, तो उसमें आप काफ़ी टाइम बाद नजर आएंगी, तो आपको कैसा लग रहा है काम करके कास्ट के बारे में? तो काम किया है, मेहनत की है, और बड़ा चैलेंजिंग रोल है। अब तो आप लोगों ने देखिए उसको मार्क्स देने हैं कि कैसा किया है हम लोगों ने। कैसा लगा आपको? आपको कितना मज़ा आया मूवी में काम? बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, तो मैं जाहिर सी बात आपके सामने ही हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया काम करके। अच्छा मुझे ये बताएं कि सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगा, कुछ गुनाना गुनगुनाना? नहीं नहीं, मैंने गाने थोड़े गाए हैं जो मैं गुनगुनाऊंगी। नहीं नहीं, मतलब कुछ सॉन्ग अच्छा लगा हो आप? बहुत सारे सॉन्ग हैं, वो तो आप देखेंगे फिल्म में तो आपको मज़ा आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो बहुत हैप्पी हैं क्योंकि हमारी फिल्म का लॉन्च है। तो आप क्या कहना चाहेंगी रंग इश्के दा मूवी रिलीज होने जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, इसकी कास्ट के बारे में, इसके स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? देखिए अभी बहुत ज़्यादा टेंशन का टाइम चल रहा है, तो आई थिंक वी नीड अ फिल्म विच प्रमोट द पीस एंड लव। सो जैसा कि नेम आपको लगता है रंग इश्क का, तो ये हम रंग प्यार का बिखेरने के लिए हमारी पूरी टीम ने ट्राई की है, और माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, एक्सपीरियंस बहार जी हैं और मदीहा शाह जी हैं और सिक्की साहब, अली अब्बास और नए चेहरे जारिया और आमना। और मज़े की बात है कि मैं एज अ ट्रांस पर्सन गेस्ट अपेयरेंस दे रही हूँ फिल्म में, और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है, तो आप इंशाल्लाह आप मेरा रोल लाइक करेंगे। तो रंग काफ़ी बिखरे हैं मुझे लगता है। हाँ रंग, इट्स डाइवर्सिटी, इट्स फुल ऑफ कलर्स, तो इंशाल्लाह यू विल लाइक इट। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आएँ और एक बार ज़रूर देखें। चलें जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? Fine, I'm fine. I'm very happy, very excited. I'm here at the movie premiere and बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सब लोगों से मिलके, और मूवी के आपने प्रोमोज देखी, क्लिपिंग्स देखी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कलरफुल लग रही है, और पंजाबी मूवी है और पंजाब का कल्चर उसमें दिखाया गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है ख़त्म। बातें की हमने मूवी की कास्ट से, प्रोड्यूसर से, म्यूज़िक डायरेक्टर से, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी यहाँ पर आएँ और रंग इश्के दा मूवी वॉच करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट ताहिरा शेख को दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।